देखिए बहुत सारा ऑप्शन देखिए, इसमें बाई चांस भी आपको देख रही थी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको सीधे जाना है जुपिटर लैब में जाना है। और जैसे आप जुपिटर लैब में नीचे लॉन्च में जाएंगे, तो लॉन्च में क्लिक करते ही आपके सामने जुपिटर लैब ओपन होगा, जिसके अंतर्गत हमें सारी कोडिंग्स को करना है। तो जो हम लोग ने कल की जितनी कोडिंग्स की थी हमने GUI राउंड की, वो हम लोग यहाँ करने वाले। ये देखिए आपका जुपिटर लैब ओपन हो रहा है। ठीक है, और जुपिटर लैब ओपन होते ही आपके सामने देखिए ऐसे बॉक्सेस आपके सामने ओपन होते हैं, जिन बॉक्सेस को हमें क्या करना है, इनके अंदर हमें कोडिंग करके हमें इस रन बटन से रन करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो कल की कोडिंग्स देखी थी उन कोडिंग्स से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग ने कल जैसे कुछ GUI की कोडिंग्स देखी थी, GUI प्रोग्राम्स, कुछ हम नेट से प्रोग्राम्स को निकाल के सीधा इनको डायरेक्टली चला रहे हैं तो हम लोग अपने टाइम को बचाएंगे। तो हमें जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा कोड हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेकबॉक्स की कोड को चला रहे हैं, तो आज हम लोग चेकबॉक्स से भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चेकबॉक्स अगर हमें चालू करना है तो चेकबॉक्स के लिए हम लोग को चेक बटन का यूज़ करना होता है। चेक बटन भी कैसे काम करता है, सबसे पहले विंडो का नाम, उसके बाद टेक्स्ट जो आपको शो करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लॉजिक हमारे सामने आ रहा है जिसको हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे ग्रिड के द्वारा इसको सेव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, इसको चलाते हैं, उसके बाद मैं आपको वेरिएबल लॉजिक भी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल लॉजिक आज हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन देखना भी है कि वेरिएबल कैसे काम करता है। तो ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने इसको पेस्ट किया, देखिए। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे इसको यहाँ पे रन किया तो रन करने पर आपका रिजल्ट जनरेट होगा, पर रिजल्ट ध्यान रखिएगा यहाँ नहीं आता है, रिजल्ट अलग से आपको ये देखिए दिख रहा है। ठीक है, आपको देख रहा छोटा सा एक विंडो खुला है जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, चेकबॉक्स जैसे कि हम जानते हैं कि एक साथ बहुत सारे कंडीशन को अगर आप इनपुट करते हैं तो चेकबॉक्स सभी को टिक मार्क के द्वारा क्या करता है, सेट कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब स्कोडिंग को देखते हैं तो स्कोडिंग में टिक इंटर को इनपुट किया, एक मास्टर नाम का विंडो बनाया और यहाँ पे दो वेरिएबल्स में बना रहे। वेरिएबल्स का काम होता क्या है, अगर आपको किसी भी कंट्रोल की वैल्यू को सेव करा है, जैसे चेकबॉक्स पर हमने टिक मारा तो उस टिक को भी हमें सेव करा है, तो हमें क्या करना होगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल बनाने के लिए करना क्या, वेरिएबल का नाम हमें लिखना, और जैसे कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन रूल चलता है वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो हमने जैसे वेर वन बराबर इंट वेर किया, वेर टू बराबर इंट वेर किया, ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हम टिक करेंगे तो ट्रू ऑप्शन को जाकर, यानी ट्रू को उठा कर सीधे क्या करेगा, वेर वन में जाकर सेव कर देगा। यहाँ पे इंट वेर का काम क्या होता है, क्योंकि आपको जाने में कोई भी कंट्रोल जो हम बनाते हैं उस पर्टिकुलर कंट्रोल में वैल्यू जो है वो हमेशा टेक्स्ट के रूप में ही रहता है। वैल्यू हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग होता है, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट वेर को लगाते हैं। तो ये नंबर में कन्वर्ट करके वेर वन में डालेगा, ये लॉजिक ध्यान रखना, सी प्लस में जावा सब जगह होता है कि टेक्स्ट से नंबर कन्वर्टर, इसको हम लोग कहते हैं। ग्रेड में रो जीरो और रो वन में दो यहाँ पे लगा है, CPW का यहाँ पे यूज किया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने एनाकोंडा में डायरेक्ट हमने सीधा टिकेंटर के कोड को लिखा, और आप देख रहे हैं हमने टिकेंटर को इम्पोर्ट नहीं किया एनाकोंडा में, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आपको देखना चालू हो गया। तो बेस्ट क्या रहता, आप एनाकोंडा पे काम करें, एनाकोंडा पे काम करने पे ये रहेगा कि आपको कोई भी पर्टिकुलर पैकेज जो है उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और पाइथन में सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। हैवी होता है एनाकोंडा, इसलिए जिनके लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स आज के कॉन्फ़िगरेशंस पे उनमें एनाकोंडा बहुत बेहतरीन चलता है, अगर थोड़े से पुराने कॉन्फ़िगरेशंस के हैं तो एनाकोंडा सपोर्ट नहीं करेगा, और रैम आपका अच्छा होना चाहिए एनाकोंडा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्रेम के बारे में, ठीक है, अगर हमें फ्रेम लगाना है तो फ्रेम का मतलब लिख लीजिएगा, फ्रेम विजेट्स या फ्रेम्स कंट्रोल्स के ग्रुप को शो करता है, फ्रेम शोज द कंट्रोल्स ग्रुप, फ्रेम करता क्या, ये कंट्रोल के ग्रुप को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो जितने भी ध्यान रखता कंट्रोल्स हमारे हैं,
उन कंट्रोल्स को अगर हमें एक ग्रुप में डाल रहे हैं, वैसे सबसे पहले ग्रुप ध्यान रखना विंडो होता है, पर विंडो और के अंदर हम अलग अलग फ्रेम बना बना के कंट्रोल्स का सब ग्रुप बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेम के भी ध्यान रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज आपकी होती है, जो ये प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, ठीक है, हाईलाइट, वी डी, बी जी, कर्सर, विड्थ, हाइट, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी फ्रेम के अंदर की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको फ्रेम बनाने कहा जाए तो करना क्या है, सबसे पहले हमने टेक इंटर को इंपोर्ट किया, फिर हमने विंडो बनाई, विंडो के बाद हम फ्रेम बनाएंगे, और फ्रेम बराबर फ्रेम और ये अपने रूट लेकर, ये रूट विंडो का नाम है। यहाँ पे ये जो आपको लेफ्ट दिख रहा है फ्रेम, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी कर सकते हो, फ्रेम की जगह एफ कर दो, एफ आर कर दो, सब चलेगा। ये राइट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रेम है ये क्लास का नाम है, और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे क्या लिखा, रूट लिखा, और फिर क्या करते हमने फ्रेम डॉट पैक कर दिया, ठीक है। फ्रेम डॉट पैक मतलब फ्रेम को पहले ही फाइनलाइज कर दिया। इसके बाद फिर इस वाले एग्जांपल में जैसे एक और फ्रेम बनाया गया बॉटम फ्रेम नाम से, तो हमने एक बॉटम फ्रेम बनाया, उसको पैक किया, उसको साइड बॉटम में हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो रेड बटन आपको दिख रहा है, ये आपका बटन हमने बनाया, तो रेड बटन बराबर बटन, और हमने यहाँ पे देखिए आप फ्रेम में सबको लगाना चालू किया। अगर आप फ्रेम कभी बनाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको फिर फ्रेम के अंदर कंट्रोल्स को डालना है, ठीक है। अभी तक हम लोग कंट्रोल को विंडो के अंदर डाले, तो आप किसके अंदर डालेंगे, फ्रेम के अंदर। तो हमने फर्स्ट जो बटन बनाया इसका नाम जैसे रेड बटन रखा गया, नाम आप कुछ भी रखेंगे, इसको किसके अंदर रखा, फ्रेम के अंदर रखा, टेक्स्ट रेड डाला और एफ जी कलर फोरग्राउंड कलर इसका रेड कर दिया, और रेड बटन को साइड लेफ्ट में हमने क्या किया, डाल दिया। फिर ग्रीन बटन बनाया बटन, फिर फ्रेम में हमने इसको लगाया, टेक्स्ट ब्राउन किया, एफ जी ब्राउन कर दिया, और इसको उठा के लेफ्ट में हमने डाला। फिर ब्लू बटन बनाया बटन, फिर इसको भी किस में डाला, फ्रेम में डाला, टेक्स्ट इसका ब्लू डाला, एफ जी हमने ब्लू कर दिया, और फाइनली इसको भी लेफ्ट में पैक किया गया, और एक ब्लैक बटन हमने बनाया जिसको हमने यहाँ पे बॉटम फ्रेम में डाला। अब देखिए यहाँ पे दो फ्रेम्स पे यूज आपको दिख रहा है, तीन बटन हमने फ्रेम में डाले, चौथे बटन को हमने बॉटम फ्रेम में डाला, ठीक है, टेक्स्ट हमने डाला और एफ जी कलर ब्लैक कर दिया। इसके बाद ब्लैक बटन डॉट पैक करके इसको हमने साइड बराबर बॉटम डाल दिया, फाइनली रूट डॉट मेन लूप हमने कर दिया। तो इस वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक विंडो और दो फ्रेम बनाए, दोनों फ्रेम रूट के अंदर जोड़े गए, दोनों फ्रेम कहाँ जोड़े गए, रूट के अंदर जोड़े गए। शुरू के तीन जो आपके बटन थे उनको फर्स्ट फ्रेम में जोड़ा गया, और आखिरी के आखिरी वाले को हमने बॉटम फ्रेम में जोड़ दिया। फाइनली जैसे हमने रूट डॉट मेन लूप किया, तो रूट डॉट मेन लूप करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पहले फ्रेम में तीन आ गए, और अगले सेकंड फ्रेम में एक ब्लैक आया जिसको हमने डाउन भी किया हुआ था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें पाइथन में जीयूआई प्रोग्रामिंग दो तरीके से करनी होती है। एक तरीका हमारा ये रहता है कि हम डायरेक्ट विंडो में कोड करें, और एक रहता है विंडो के अंदर फ्रेम बना के कोड करें। कहानी समझ रहे, एक होता विंडो कोड, एक होता फ्रेम कोड, ठीक है। फ्रेम कोड ध्यान रखना जावा में भी था, फ्रेम कोड का पहला आविष्कार जावा लैंग्वेज में हुआ था, उसके बाद इसको पाइथन ने भी अप्लाई किया। जावा में भी ध्यान रखना दो तरीके कोड होते हैं, एक होता आपका फ्रेम कोड, एक होता विंडो कोड। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से फ्रेम्स को मैनेज करेंगे, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पर, कि इंडस्ट्री आपको किस चीज पर कोड करवाए। कई बार इंडस्ट्री विंडो पे कोड करवा के आपको चलाती है, कई बार इंडस्ट्री फ्रेम कोड करा के चलाती है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप टेक्निकल राउंड प्लान कर रहे हैं, अगर आप किसी पाइथन इंडस्ट्री को प्लान कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोनों फॉर्मेट बनने चाहिए, विंडो भी और फ्रेम भी। और कल मैंने आपको तीन मेथड्स भी बताए थे, पैक मेथड रहता है, ग्रिड मेथड रहता है, आपको वो चीज़ों बनने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इंडस्ट्री ध्यान रखना डिमांड करती है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेक्निकल राउंड्स में आपसे पूछा जाता है, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने आपके 1-2 ग्रुप में यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, फ्री पाइथन 1-2 ग्रुप यहाँ पे मैं आपको ये डाल रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया विंडो विथ फ्रेम टॉपिक, विंडो विथ फ्रेम टॉपिक ये मैंने आपको लिखा। तो आपको ध्यान रखना है ये काम बनना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। कोशिश इसमें करें, एनाकोंडा कर लीजिए एक बार में सारे दुखों की दवा, एनाकोंडा। अगर एनाकोंडा अगर आपके में इंस्टॉल हो गया, समझ लीजिए आपको किसी पैकेज में इंस्टॉल करके ढूंढने और पैकेज को डालने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ एक साथ मिल जाता है। और करेंगे